और मैं हूँ आपके साथ नेहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुबह सपा नेता ओम प्रकाश राजभर को सलाह पर प्रतिक्रिया दी है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही ओपी राजभर अखिलेश को सलाह दे रहे थे। बीते दिनों लोकसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद भी सुबह सपा नेता ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सलाह दी थी। अब अखिलेश ने कहा कि सलाह की जरूरत नहीं, योगी सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों पर बीजेपी के दावों को खारिज करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार जहां 100 दिन की उपलब्धि बता रही है, उनको 5 साल 100 दिन की उपलब्धि बतानी चाहिए। इनकी उपलब्धि की पोल तब खुली जब उनके उप मुख्यमंत्री लखनऊ वापस आए और उनसे बिना पूछे तबादला कर दिया। भ्रष्टाचार अन्याय चरम पर है। सरकार में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पीछे से चला रही हैं। आजमगढ़ और रामपुर में प्रचार नहीं करने जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, मुझे उम्मीद थी और मुझे भरोसा दिया गया था कि मेरे वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं हार के सवाल पर उन्होंने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। बीते दिनों राजभर ने बलिया के रसड़ा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अपने दम पर नहीं बल्कि अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 2012 का विधानसभा चुनाव मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में हुआ, मगर आज अखिलेश के सर पर सजा। उन्होंने अखिलेश की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अखिलेश यादव के नेतृत्व में वर्ष 2014, 17, 19 और 22 में लोकसभा व विधानसभा के जो भी चुनाव हुए सभी में सपा पराजित हुई। उपचुनाव के विधान परिषद के चुनाव में भी सपा हारी है। अखिलेश यादव स्वयं स्पष्ट करें कि अभी एक भी चुनाव में उन्हें जीत क्यों नहीं हासिल हुई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।